सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। विराट कोहली मुंबई के खिलाफ नाबाद 92 रन की पारी के दौरान आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। हालांकि इसके बावजूद उनकी टीम हार गई। साथ ही मैच के समय एक ऐसा वक्त भी आया जब विराट कोहली अंपायरों पर आग बबूला हो गए। सेरेमनी के दौरान विराट को जब आईपीएल की ऑरेंज कैप दी गई तो उन्होंने उसे पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उसे लिया। ऑरेंज कैप लेते समय कोहली ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कोहली ने कहा कि मैं इसे नहीं पहनना चाहता, फिलहाल इसे फेंक देने का मन कर रहा है और मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ कि हमने विकेट कैसे गवाए। कोहली का ये गुस्सा एम्पायर के लिए नहीं बल्कि आरसीबी के बड़े खिलाड़ियों के लिए था जो पिच पर उनका साथ देने में नाकाम रहे। कप्तान कोहली तो एक छोर संभाले अंत तक डटे रहे लेकिन दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का आना जाना लगा रहा। नतीजा ये हुआ विराट की लाजवाब पारी भी उनकी टीम को हार से नहीं बचा सकी। इसके साथ ही आरसीबी अंक तालिका में सातवें पायदान पर पहुंच गई। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।